90 लाख से ज़्यादा ऐसे परिवार हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और उनको 2-2 लाख रुपए की सुविधा देने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये ऐलान किया, जिसको वो मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। बिहार की जनता भी यह जानती है कि ये चुनावी झुंझुना है। चिराग पासवान ने भी अपने यहाँ संक्रांति का भोज दिया, जिसमें वीडियो में उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और खुद चिराग के वक्तव्य हैं। वीडियो आप इस प्रोग्राम में देख सकते हैं। मौका पाकर चिराग पासवान मंगलवार को कैबिनेट बिहार के निर्णय पर बोल रहे हैं, जिसमें बिहार सरकार 6,000 रुपये मासिक आमदनी वाले परिवार के मदद के लिए 2 लाख रुपये प्रति परिवार देने की घोषणा कर रही है। जातीय आधारित जो गणना हुई थी उसमें एक महत्वपूर्ण योजना स्वीकृत हुई थी, जिसमें हर निर्धन परिवार को 2 लाख रुपये राज्य सरकार देने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत 94,33,312 लोगों को 2 लाख रुपये की दर से विभिन्न योजनाओं के लिए, जो लघु योजना है, बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत राशि देने का निर्णय हुआ था। चिराग इस पर टिप्पणी कर रहे हैं कि इसे 3 किस्तों में क्यों दिया जा रहा है। चुनाव सर पर है, इसीलिए मुख्यमंत्री जी को ये फैसला लेना पड़ा। 3 किस्तों में इसको चुकाया जाएगा। किसको भरोसा है भैया कि चुनाव के बाद दूसरी या तीसरी किस्त किसी के खाते में आएगी कि भी नहीं आएगी। चिराग को मिल रहे समर्थन की वजह से चिराग बड़बोलेपन का शिकार हो गए हैं। वे आउटस्पोकन पर्सनालिटी बन गए हैं। कैबिनेट के फैसले पर चिराग को अत्यंत गरीबी के परिवार के मदद के लिए इस महत्वपूर्ण कैबिनेट डिसीजन का स्वागत करना चाहिए था। इनके पास कोई विजन नहीं है, इसीलिए ये रेवड़ियां चुनाव से पहले बांटने का ये सरकार प्रयास कर रही है। पर बिहार की जनता भी अच्छे से जानती है कि भैया अगर 2 लाख रुपए आपने दे भी दिया, किसी भी तरीके से जीवन तो नहीं व्यतीत होगा ना। संक्रांति के अवसर पर चिराग के घर पर भोज में आए 2 अन्य नेता जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपनी आलोचना मुख्य रूप से नीतीश कुमार पर बनाए रखी। नीतीश जी और नीतीश जी के लोग लगातार बोल रहे कि विलम्ब हो रहा है, ठीक नहीं, विलम्ब हो रहा है, ठीक नहीं। इसका मतलब अंदर कुछ तो गड़बड़ है ही, जो दिख रहा है बाहर। मकर संक्रांति में वो गए तो, लेकिन लालू प्रसाद तिलक तक नहीं लगाए। देखिए, तिलक लगाने की बात तो अब नीतीश जी को भी भूल जानी चाहिए। अब कितना दिन नीतीश जी को तिलक लगते रहेगा? अब बिहार में बहुत सारे लोग हैं, उनको तिलक लगे, अब नीतीश जी को क्या तिलक लगता है? अब यह अपेक्षा ही रखना हमको लगता है कि ठीक नहीं। राजनीति में दो जोड़ दो चार नहीं होता है, 2 जोड़ 2 6 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। अगर भाजपा नीतीश कुमार को लेना ही चाहेंगे तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? खैर पलटी मारने का तो उनका रहा ही है, लालू जी ने उनको पलटू राम कहा ही है। अगर फिर पलटी मारते हैं कि नहीं मारते हैं वो जाने,